हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखा था, उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक को डिस्कस किया एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की थी। नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फर्स्ट अ पेयर ऑफ ओवरी। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन इट, दिस इज ओवरी। ओवरी देन अ पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड, लेफ्ट एंड राइट। द पोजिशन ऑफ ओवरी यानी कि ओवरी कहां पर प्रेजेंट होती है, तो हम बोल सकते हैं जो लोअर एब्डोमन है उसके हर एक तरफ, यानी कि ईच एक साइड लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होती है। सेकेंड हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हम कह सकते हैं देयर आर थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व। द फर्स्ट वन इज ओविडक्ट, और फेलोपियन ट्यूब, द सेकेंड वन इज यूटरस और वॉम, एंड द थर्ड वन इज वेजिना। ओके, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो हम बोल सकते हैं ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इन फीमेल एंड और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, द थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया फोर्थ समहाउ मेमोरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट वी कैन से, तो इन चारों चीजों से मिलकर के बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसको नोट कर दे रहे हैं साथ के साथ। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के बारे में, देन फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजिना, आफ्टर दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरी को। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो पार्ट है दैट इज ओवरी, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, द सेकेंड वन इज ओवरी के अंदर एक ओवा जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। ओवा इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी आफ्टर
प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। जब किसी भी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके पर मंथ में क्या होता है, ओवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। वन मंथ अगर जो इस लेफ्ट से प्रोड्यूस हो रहा है तो सेकंड में राइट से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ओवा यहाँ पर होता है, इसको हम ओवा को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं इसको हम, फीमेल गैमेट, विच हैज हैप्लोइड कंटेंट। हैप्लोइड कंटेंट मींस इट हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मींस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस ओवा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन। ओके, ये ओवरी प्रेजेंट कहां है, तो हम बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट एट लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड। तो हर एक तरफ एक एक प्रेजेंट होता है। अब ये जो ओवरी है इसको सपोर्ट कौन करता है, इसको सपोर्ट करता है लिगामेंट। कौन, लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू ये यूट्रस से अटैच होता है। क्या, किससे, यूट्रस से अटैच होता है, इट इज नोन एज लिगामेंट। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। ओके, और ये जो ओवरी है इस पर कवरिंग भी होती है। क्या होती है कवरिंग, जो कि एपिथेलियल लेयर की होती है। ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियल लेयर, और हम बोल सकते हैं स्ट्रोमल लेयर, स्ट्रोमल लेयर। यहां पे एक लेयर होती है स्ट्रोमल लेयर, ठीक है। अब ये क्या करती है, स्ट्रोमल लेयर इस ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो दो पार्ट कैसे, एक पेरिफेरल पार्ट और एक इनर पार्ट। तो जो पेरिफेरल पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट है वो कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है, मेडुला, ठीक है। स्ट्रोमल कॉर्टेक्स और स्ट्रोमल मेडुला, जो बाहर है वो स्ट्रोमल कॉर्टेक्स, जो अंदर है वो स्ट्रोमल मेडुला कहलाता है। तो ओके, तो ये है किसके बारे में, ओवरी के बारे में। लेकिन अगर जो हम बात करें इसके साइज की, ठीक है, साइज, तो हम बोल सकते हैं जो ओवरी है इसकी जो लेंथ होती है, क्या होती है इसकी लेंथ, वो होती है अराउंड 2 to 4 centimeter। कितनी होती है इसकी लेंथ, 2 to 4 centimeter। और अगर जो हम विड्थ की बात करें, किसकी बात करें, विड्थ की, तो इसकी विड्थ होती है अराउंड 0.5 centimeter। तो इट्स ऑल अबाउट ओवरी, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होती है, आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, साइज ध्यान रखना है, और किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। ओके, अब ये अटैच किससे और है, तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इससे अटैच होता है, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो ये इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट द सेकंड पार्ट, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। फर्स्ट ओविडक्ट, फर्स्ट क्या है, ओविडक्ट, सेकंड यूटरस, एंड थर्ड वन इज वैजिना। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ओविडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम ओविडक्ट पर आएंगे, किस पर आएंगे, ओविडक्ट पर।
ओविडक्ट। ओके, अब ये जो ओविडक्ट है क्या इसका दूसरा नाम भी है? हाँ बिल्कुल है, इसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साइज की बात कर लेते हैं। साइज, साइज इसका 10-12 सेंटीमीटर होता है, और कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम ओवरी टू यूटरस। तो ओवरी से लेकर के यूटरस तक का जो पार्ट है, यहां तक ये यूटरस, यहां तक का जो पार्ट है दैट इज नोन एज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं, तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं, 1, 2, 3। ओके, तो रेड से मैंने मार्क किया, रेड को फॉलो करेंगे आप। फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम द सेकेंड इज नोन एज एम्पुला, एंड द थर्ड वन विच इज हियर इज नोन एज इस्थमस। तो ये तीन पार्ट है एक्चुअली में। यहां पर जो इन्फंडिबुलम है, इन्फंडिबुलम ओवरी से स्टार्ट होता है, और इन्फंडिबुलम पे थोड़ा सा प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए नजर आते हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो आपको नजर आ रहे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम फिम्बराई कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बराई, फिम्बरी कहते हैं। ओके, ये क्या है, इसको हमने बोला है इन्फंडिबुलम, एम्पुला, और ये इस्थमस। ओके, अब इन्फंडिबुलम में जो प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हमने फिम्बराई बोला है। क्या बोला है? फिम्बराई। एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या होता है, जब ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है, तो उस ओवा को कैप्चर करना, जो पकड़ने का काम है, वो कौन करता है? फिम्बराई करता है। फिम्बरा इसको कैप्चर करने के बाद ओविडक्ट में भेजेगा, यानी कि इन्फंडिबुलम में भेजेगा। इन्फंडिबुलम से जो ओवा है वो आगे ट्रेवल करके एक वाइडर रीजन में जाता है, जिसको हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला वाइडर होता है। कैसा होता है? वाइडर। उसके बाद ये निकलता है और कहां पहुंचेगा? इस्थमस के पास पहुंचेगा। अब ध्यान देना, ये जो जंक्शन है बीच का, मैं ग्रीन से इसको डिनोट कर रहा हूं, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? यहां पर एम्पुला भी इन्वॉल्व है, इस्थमस भी है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये मैंने नाम यहां पर क्यों यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का स्पर्म के द्वारा, तो वो किस रीजन में होता है? तो वो रीजन यही होता है एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। जब ओवा यहां पर पहुंचेगा और स्पर्म यहां से एंटर करके यहां पहुंचेगा, तब उनका जो फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो होगा ओवा का, वो कहां पर होगा? एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन में होगा, तभी हम कह सकते हैं कि जायगोट फॉर्म होगा, अदरवाइज जायगोट फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ये इनकी बात थी ओविडक्ट की। अब हम बात कर लेते हैं यूटरस की। किसकी बात कर लेते हैं? यूटरस। इसको नोट करते रहे साथ के साथ। द सेकेंड इज यूटरस। यूटरस को हम वॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉम, यूटरस।
यूट्रस को सपोर्ट कौन करता है, कैसे ये वहां प्रेजेंट है? ठीक है, तो इसको लिगामेंट सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? लिगामेंट। और ये अटैच होता है पेल्विक रीजन से। कहां से? पेल्विक रीजन से। ठीक है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। ओके, अब ये जो यूटरस है, यूटरस की तीन वॉल होती है। देर आर थ्री वॉल्स ऑफ यूटरस। देर आर थ्री वॉल्स ऑफ यूटरस। अब ये तीन वॉल कौन सी होती हैं? आइए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। और जो सेकंड होती है, यहां पर सेकंड को मैंने रेड से बनाया हुआ है, देख सकते हैं रेड यहां पर जो मार्क किया गया है। ठीक है, तो वो सेकंड के लिए तो मैं यहां पर भी रेड से ही लिख रहा हूं, मायोमेट्रियम। एंड थर्ड वन जो सबसे अंदर होती है, एंडोमेट्रियम। वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। सो देयर आर थ्री वॉल्स ऑफ यूट्रस। द फर्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम, द सेकंड वन इज मायोमेट्रियम, एंड द थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। ओके, तो हम अगर जो बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये बाहर सबसे बाहर के लिए तो एक टाइप से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव होती है। कैसी होती है? प्रोटेक्टिव। और जो मायोमेट्रियम है, इसका क्या फंक्शन होता है मायोमेट्रियम का? जब हम बोल सकते हैं बर्थ वाला केस आता है, डिलीवरी वाला, पार्चुरेशन वाला जो केस आता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो उस टाइम पर एक हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। वो कहाँ से रिलीज होता है? मायोमेट्रियम से। रिलीज इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रिलीज इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन During parturition. तो जब parturition की condition है, parturition means delivery, तो उस time पे कौन सा hormone निकलता है? Oxytocin hormone निकलता है। और क्यों निकला है, कहाँ से निकला है? Myometrium से निकलता है। लेकिन अगर जो हम बात करें endometrium की, इसका क्या function होता है? Endometrium जो कि सबसे अंदर की layer है, मैं इसको एक बार यहाँ पे denote कर देता हूँ। तो सबसे बाहर की जो layer है वो है पेरीमेट्रियम, अंदर की जो रेड है वो है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो है दैट इज एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन होता है? तो आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम के बाद यहां पर ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम यूटरिन कैविटी कहते हैं। कहते हैं यूटरिन कैविटी, यूटरिन कैविटी, जो यूटरस की कैविटी है, ये पूरा का पूरा क्या है? यूटरस है। क्या है? यूटरस है। और ये जो पूरी होल जो पोर्शन प्रेजेंट है कैविटी लाइक, दैट इज नोन एज यूटरिन कैविटी। आपको बताइए, ये जो यूटरिन कैविटी है, फीमेल्स के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो पर मंथ क्या होता है यहाँ पे? साइक्लिकल चेंजेस में चला जाता है। पर मंथ, एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अंडरगोस मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे अंदर की लेयर होती है, ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है? डीजनरेट होती है। ठीक है, इट डीजनरेट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन। ओके, और अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस, और हम कह सकते हैं और अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये फंक्शन इन वॉल्व का होता है। अब ध्यान देखना,
अब ये यूट्रस खत्म होता है तो वहां पर ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सर्विक्स, इसको हम रियल में कहते हैं सर्विक्स। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, केनाल की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देने लगी है इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, सर्विकल कैनाल, ठीक है। तो ये पार्ट किसका होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूटरस, ओके। नाउ थर्ड वन इज वैजिना, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का थर्ड पार्ट है जिसको हम वैजिना कहते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, तो ये जो वैजिना जो है, ठीक है, ये एक ओपनिंग होती है। क्या होता है, इट इज एन ओपनिंग थ्रू विच यूट्रस रिसीव स्पर्म, थ्रू विच यूट्रस रिसीव स्पर्म्स ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के दौरान जो स्पर्म निकलते हैं वो फीमेल के अंदर यूट्रस में कैसे जाएंगे, तो वेजिना के थ्रू एंटर करते हैं। और ये जो वेजिना है, अगर जो मिल जाए सर्विकल कैनाल के साथ, सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों आपस में मिलके बर्थ कैनाल को फॉर्म करते हैं। किसको, बर्थ कैनाल को फॉर्म करते हैं, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, आई होप को समझ में आ गया होगा। इसको नोट करते रहें ध्यान से सभी चीजों को, ठीक है। और मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल गेनिटेलिया, जो कि थर्ड पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एक्सटर्नल गेनिटेलिया में क्या आता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट इज एक्सटर्नल गेनिटेलिया। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, किन चीजों से जो फीमेल एक्सटर्नल गेनिटेलिया है वो बना होता है, तो हम बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फर्स्ट वन इज Mons pubis is fleshy folds of fat where pubic hairs are present. Okay. Below Mons pubis there are two beds of folds of tissues which are known as labia majora. Is a pair of tissues which are present on each side of the vagina. The third, there is also a pair of labia minora below labia majora, they are present, and the fourth part is hymen. The fourth part is hymen. इसके बारे में जानेंगे जरा। Actually में क्या है? It is a covering of, a partial covering of vaginal opening. Okay. It covers. Vaginal opening. पार्शियली, इसको पार्शियली क्यों बोला गया, थोड़ा सा ही क्यों,
एक्चुअली में इट्स अ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है, इट्स अ मेम्ब्रेन। इफ यू टॉक अबाउट द वेजिनल ओपनिंग देन इट इज जस्ट लाइक दिस, ओके, इट्स अ वेजिनल ओपनिंग एंड देयर इज अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज हाइलम। तो वो किस तरीके से होती है? कुछ इस तरीके से होती है। ओके, तो दिस इज स्मॉल ओपनिंग एंड दिस रेड कलर हेयर रिप्रेजेंट्स द मेम्ब्रेन विच इज नोन एज हाइलम। आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स, आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स this membrane gets degenerated, this membrane gets degenerated, okay, like this. So we can identify this female has ever intercourse or not, but this is not sure because during any physical activity this hormone is also gets ruptured. If any female at her childhood rides a cycle, then there is an injury. Horse riding, there may be injury. Okay, so due to physical activities, this membrane also can degenerate. There is a not a sure of virginity of a female. If there is no hymen, that means not the female is has ever intercourse. Okay, तो इसका present नहीं होना ये नहीं बताती कि virgin नहीं है. ओके, ये रप्चर हो जाती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। किसके दौरान? जब कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, साइकिलिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, स्विंग, कोई झूला झूलता है, गिर जाता है, सडन फॉल हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। इट्स प्रेजेंट और एब्सेंस डजंट मीन द वर्जिनिटी और नॉट। ओके, तो ध्यान रखें इस बात को भी। तो ये जो पार्ट है इससे क्या बनता है? एक्सटर्नल कैनिटेलिया बन जाता है। ओके, तो अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल। द फोर्थ पार्ट इज मेमोरी ग्लैंड। Mammary glands, also known as breast. First point, a pair of breast is present in females. एक्चुअली में इनका फंक्शन क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन होता है मिल्क प्रोड्यूस करना। किसका? क्या प्रोड्यूस करना? मिल्क प्रोड्यूस करना। एक्चुअली में इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, आइए देखते हैं। ईच मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो हर एक मेमोरी ग्लैंड के पास 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं दीज हैव एल्वियोलाई सेल, क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स हैव क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स। अभी जो क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स हैं ये करते क्या है? एक्चुअली में इनका फंक्शन होता है टू सिक्रीट मिल्क। अब ये जो मिल्क सिक्रीट करते हैं तो ये मिल्क स्टोर भी होता है कहां पर? एल्वियोलाई की जो कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी। मिल्क इज स्टोर्ड इन एल्वियोलर कैविटी। तो मिल्क जो है वो एल्वियोलर कैविटी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है?
Now alveoli opens into mammary tubules. तो अब ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. कहाँ ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है. और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है हर एल्वियोलाई सेल से निकलती हैं. देखो क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स हैं. अभी क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. मिल्क एल्वियोलर कैविटी में स्टोर हो रहा है. यहाँ से क्या राइज होती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स. तो जितने भी एल्वियोलाई सेल है वहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट होती है. और ये क्या बना देते हैं? मेमोरी डक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मेमोरी डक्ट. फॉर्म मेमोरी डक्ट. और ये मेमोरी एम्पुला बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मेमोरी एम्पुला. दैट इज अ वाइडर रीजन. और मेमोरी एम्पुला जो है वो ओपन होता है या जॉइन होता है, कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस सेल्स के साथ. कनेक्ट होता है जहां से मिल्क सक आउट होता है. क्या होता है? मिल्क इज सक आउट. तो एक बार दोबारा देखना इसको जरा. तो यहाँ पे निप्पल प्रेजेंट होता है एक्चुअली बाहर की जो स्ट्रक्चर जहाँ से सक किया जाता है कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी होता है. ध्यान देंगे जरा. तो जो भी मेमोरी ग्लैंड है एक्चुअली में इनको ब्रेस्ट कहा जाता है. तो एक पेयर यानी कि दो प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में. ओके अब जितने भी ये मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनके पास 15 से लेके 20 तक मेमोरी लोब्स होते हैं. और इन मेमोरी लोब्स के पास क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई बहुत सारे एल्वियोलाई सेल्स होते हैं. अब ये एल्वियोलाई सेल का फंक्शन होता है मिल्क को सिक्रीट करना. मिल्क सिक्रीट करने लगे और जो एल्वियोलाई सेल है इनके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम एल्वियोलर कैविटी कहते हैं, जहां पर ये मिल्क स्टोर कर लिया जाता है. ओके मिल्क स्टोर हो गया. एल्वियोलाई सेल से ये कहाँ ओपन होते हैं? ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं. कहाँ ओपन होते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. ठीक है तो हर एक क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई जो थे वहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं. ठीक है मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो आपस में मिलकर के क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट बनाते हैं. काफी सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट बना देती हैं. और ये मेमोरी डक्ट कहाँ पर ओपन होती है? तो एक वाइडर रीजन होता है मेमोरी एम्पुला, वहां जाके ओपन होती है जो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस सेल्स से. किससे कनेक्ट है? लैक्टिफेरस सेल्स. लैक्टिफेरस सेल्स जो है यहाँ से मिल्क अब आ गया यहाँ पर और निप्पल के थ्रू अब ये सक आउट कर लिया जाता है. और ये फीमेल के अंदर फंक्शनल होती हैं, हालांकि मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं लेकिन रूडिमेंट्री होते हैं, वो नॉन फंक्शनल है. हमारी मेल्स में इनका कोई काम नहीं होता. इनका काम किस में है? फीमेल्स में काम है. दे आर फंक्शनल देयर. ओके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK.